नमो अहंकारणम नमो सिद्धारणम नमो हरियाणम नमो विचारणम नमो लोई सब सागुणम शुद्धात्मानोनिकांतम साधुमतम मंगलम चंद्रम चंद्रप्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोत मंगलम जीव मजीवम तपम जिर्वर्वसे हीण जीर्णतिष्ठम बिबिंद बिंदवंदम वंदितम सपदातसा मग्गण गुण ठाणे चौदसय हवंत अशुद्ध नया बिणया संसारी सभे शुद्धा शुद्ध नया 14 प्रकार की मार्गनाएं 14 प्रकार के गुणस्थान संसारी जीवों में अशुद्ध ऐसे होते हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब क्या हुआ इसका? अशुद्ध नय का विषय पर्याय है, अशुद्ध पर्याय मुख्य रूप से, मतलब संसारी सिद्ध भगवान के तो होते ही नहीं, किसी नय से नहीं होते। और सिद्ध समान आत्मा में कहां से आएंगे? सिद्ध भगवान में नहीं होते और सिद्ध समान आत्मा में भी नहीं होते। संसारी जीवों में भी सर्वथा नहीं होते। कथनचित माने मात्र एक समय की पर्याय में होते हैं। समझ में आया? 14 प्रकार की मार्गनाएं और 14 प्रकार की गुणस्थान संसारी जीवों में होते तो हैं, लेकिन एक बात पहले कही होगी कभी, सिद्ध भगवान जैसे सर्वथा शुद्ध हैं द्रव्य से पर्याय से भी, ऐसे ही संसारी सर्वथा अशुद्ध नहीं है। अगर सर्वथा अशुद्ध होती तो क्या दोष आ रहा? कि जैसे सिद्ध भगवान संसार में नहीं आते ऐसे संसारी कभी मुक्त नहीं। माने सर्वथा मानने वाला जीव मुक्त नहीं होता कभी। तुम मुक्त नहीं होगे अगर सर्वथा मानोगे तो। 14 प्रकार की मार्गनाएं और 14 प्रकार के गुणस्थान संसारी जीवों के होते हैं। काय में एक समय की पर्याय में संसारी जीव का भी स्वभाव नहीं है। जैसे कहा जीवो उभो उमो और संसार रथो, इसी द्रव्य संग्रह में उपयोग मय कहा और संसार में स्थित कहा। संसार मय नहीं। कीटी कालिमा सोने में संयुक्त है और पीलापन सोने से तादात में है। पानी में उष्णता संयुक्त है और पानी शीतल स्वभाव है। खोता पानी भी शीतल स्वभावी है। आचार्य कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं नियमसार जी ग्रंथ में? नियमसार माने समझते हो, कुछ खबर नहीं है। सर्व आचरण का आधार है, सर्व आचरण जिससे प्रकट होता है। पहले शुद्ध भाव अधिकार लिखा और फिर प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान सब लिखी परमार्थ से। मानी परमार्थ चारित्र का आधार है और परमार्थ होने का व्यवहार अपने आप होगा, इसलिए व्यवहार भी साथ है। नियमसार ग्रंथ में कुंद स्वामी ने मूल गाथा में लिखा जैसे संसारी शुद्ध हैं ऐसे भवलीन जीव भी शुद्ध है। भवलीन भवमलिया भवलीन संसारी, ऐसे नहीं संसार से विरक्त त्यागी हो गए। जो संसार में रक्त हैं वे भी, उनका भी स्वभाव, तुम्हें याद है एक बार कहा हुआ, सिंह का स्वभाव भी क्रूरता नहीं ज्ञाता दृष्टा है। अगर सिंह का स्वभाव क्रूरता होता तो क्रूरता का अभाव होकर की सम्यक दर्शन कैसे हुआ। कंजूस का स्वभाव भी कंजूसी नहीं है, अगर कंजूसी को स्वभाव माना जाए तो विभाव क्या होगा। एक सेठ था, उसको एक बार ये विकल्प आ गया, चलो कोई कुआ बनवा दें, कुआ के बिना गांव में बड़ी परेशानी है। कुएं वाले को बुलाया, ठेका दे दिया, और 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 8 दिन बाद, एक दिन मन में आया कि चलो देख तो आए कितना खुद गया, क्या हो गया। तो लगभग 10-15 फुट खुद गया था, 15 फुट मान लो। तो शाम को देखने गया, 15 फुट खुदा, मिट्टी का ढेर लग गया, इधर कीड़ा और इधर कुआ को नहीं। अब वो बहुत कंजूस था सेठ, लेकिन उसने देखा और ऐसे दे गया, ये गड्ढा हो गया तो यहाँ ढेर हुआ है, यहाँ ढेर हुआ है तो यहाँ गड्ढा हुआ है, मेरी तिजोरियों में ढेर भरा है तो कहीं गड्ढा होगा, मेरे सूटकेसों में ढेर है तो कहीं गड्ढा है। जब तुम्हें 4 सूटों की जरूरत है तो 50 सूट क्यों रखे हो। 300 साड़ियां, ओ भगवान, क्या करोगी, रोज एक नहीं पहनोगी, ढेर क्यों लगाती हो। उसने, सेठ ने विचार किया, कहा किसी से कुछ नहीं, ऐसे दे गए, ऐसे दे गए, यहाँ ढेर हुआ है तो यहाँ गड्ढा हुआ है, यहाँ गड्ढा हुआ है तो यहाँ ढेर हुआ है। अरे ये सब अध्रुव है, विनाशी है, समय रहते इसका उपयोग कर लेना चाहिए। कहा किसी से नहीं, देखा और चला गया, और दूसरे दिन से बहुत उदार बन गया। उदारता पूर्वक दीन दुखियों के उपकार में, दान परोपकार में खर्च करने लगा। समझ गए, कंजूसी स्वभाव नहीं है। कंजूसी को स्वभाव माना जाए बड़े कंजूस है। अरे कंजूस है तो दया का पात्र है, कंजूसी स्वभाव नहीं है। एक समय कंजूस, दूसरे समय में उदार बन जाए, एक समय का रागी, दूसरे समय में त्यागी बन जाए। कहाँ तो स्त्री के साथ उसकी मायके कौन जाएगा बताना, कोई ज्यादा आसक्त होगा वही जाएगा। कामातुराणाम न भयम न लज्जा, न लज्जा है न भय, चार गति में भ्रमने का भय भी नहीं है, और भगवान पंच परमेश्वरों का कोई आदर भी लिहाज भी नहीं है। उन्होंने लगा दिया। ओ बता, बजाऊ काय के लिए जा रहा है, हम स्त्री के बिना 4 दिन भी नहीं रह सकते, हम तो इसके साथ जाएंगे, इसकी मायके। वो उसके साथ जा रहा था और मुनराज को देखा, ओहो धन्य है, काम कर नहीं ठगाए गए, एक हमें एक जिए। और ऐसा परिणाम हो गया थी चले। इसलिए भाई घबराना नहीं, क्रोध मत करना। कभी तुमने कथा पढ़ी है पर्थवानियों की। हे भाई, तुम रावण पर द्वेष मत करना, और एक भाव था, तीव्र आ गया, तुम्हारा भी तीव्र आ गया, तुम कहोगे नहीं मानोगे। सीता ने रावण से द्वेष नहीं किया, राम का अंत तक युद्ध होता रहा, लेकिन अंत तक द्वेष नहीं आया रावण के प्रति, अंतानुबंधी द्वेष का समझ नहीं आया। रावण का जिस समय मरण हो गया, उस समय भी राम बोले, महापुरुषों का बैर तो जीवन पर्यंत है, मरण अब तो बैर नहीं कछो। दशानंद महापुरुष था, सरा का पुरुष था, उसकी दाह क्रिया बड़ी सम्मान के साथ करो। अब ये द्वेष वाला कह सकता कोई? कैसे कहेगा? वो जिनालय में बैठा हुआ कुछ भी कर रहा हो, लौकिक प्रयोजन बहुरूपणी सिद्धियां, हम विघ्न देने करने की आज्ञा नहीं दे सकते, जिनालय में विघ्न नहीं करना। तब तो राम के प्रति रावण भी ये कहता था, एक राम न्याय मार्गी है, बस युद्ध में उसको पकड़ लूंगा, जिंदा छोड़ूंगा, और फिर सीता सौंप दूंगा। अरे तो जो जीत के सौंपने तो वैसे ही सौंप दे, नहीं वो मन कथा है। इन महापुरुषों को पढ़ा करो और कुछ जीवन में शिक्षा दो। देखो, मिश्री जब पानी में डालोगे घुलेगी तब मीठा होगा, और वैसे ही डला नीचे रखो रहे तो थोड़ी मीठ हो जाए। उठाई ऐसे तक कर डाल दी, ऐसे डालवी से काम नहीं चलेगा, घोलना पड़ेगा उसको। भीगे हृदय से पढ़ोगे तब तो कुछ समझ में आएगा। भेद ज्ञान के बिना जिनवाणी का एक वाक्य भी समझ में नहीं आता। अभिमान हो सकता है, शैवसम के बाद से याद हो सकता है वाक्य, लेकिन उस वाक्य का मर्म समझ में नहीं आ सकता। जिंदगी पूरी हो जाएगी, जिंदगी सार्थक नहीं होगी। पढ़ो, पढ़ना ही पर्याप्त नहीं, भीगे हृदय से पढ़ो। जैसे मंदिर बनाना ही पर्याप्त नहीं है, मंदिर को संभालना भी सीखो। ये चित्र बढ़िया बन गए, अरे बढ़िया बन गए, धूरा खा जाएंगे अगर साफ नहीं करोगे तो। कपड़ा बहुत बढ़िया है, धोएगो नहीं तो कपड़ा की इज्जत तुम नहीं करोगे तो क्या करेंगे? कपड़ा बढ़िया है, उसको रखने के लिए आदमी बढ़िया होना चाहिए। मंदिर बनाओ ही नहीं, मंदिर को संभालना भी सीखो। जिंदगी भर की जिम्मेदारी है तुम्हारी, केवल 1 साल की और 2 साल की बनाने तक जिम्मेदारी नहीं है। और मंदिर ही मत संभालते हुए चौकी काय को टेक रखीजिए, काय को बांस बीच में काय को रखिए, ऐसा काय को रखिए, धूला क्यों रखिए, जाला क्यों लगे। मंदिर में आकर के अपने परिणाम भी संभालो। अगर परिणाम नहीं संभाले तो मंदिर में आकर के तुमने क्या किया? मंदिर आना सार्थक नहीं हुआ। मंदिर जब तक तुमने मंदिर में आकर के अपने परिणाम नहीं संभाले। एक वकील साहब थे, हम गए, संयोग की बात, और 1 घंटे रुके और चल दिए। वकील साहब बोले, सुनो भैया, बहुत छोटी उम्र की बात है, ये ऐसो आए वो तुम आओ, आए वो हमने नहीं मानो, न कछु कही, न सोनी, न खाओ, न पियो, न सोए, न उठे, बस आए और चल गए। ऐसा आयो हमने नहीं मानो। तुमने मनुष्य पर्याय में आकर के क्या किया ये सोचो। ऐसे ज्ञान से क्या फायदा तुम जानती हो। एक बात बताओ, युधिष्ठिर को इतना याद नहीं हुआ क्रोध नहीं करना चाहिए। अरे क्रोध के प्रसंग में क्रोध नहीं करना चाहिए, जब क्रोध का प्रसंग बने तब उसकी परीक्षा होगी, तब तुम उत्तीर्ण हो पाओगे। ये थोड़ी है बस अनुकूलता बन गई क्रोध नहीं किया। जिनवाणी पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, मंदिर जैसे बनाना ही पर्याप्त नहीं है, समाधि भी करो। ऐसे जिनवाणी पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, भीगे हृदय से पढ़ना है। समयसार की स्तुति में क्या लिखा, चूणे तणे रस निबंध शिथिल था। इन कथाएं को ऐसे नहीं टूटेंगी, कभी नहीं टूटेंगी, भीगे हृदय। सूने तने रस निबंध शिथिल लुप्ताया का मतलब हो, इस पवित्र शास्त्र को सुनने से विषयों का रस टूट जाता है, शिथिल हो जाता है। मोर की ध्वनि सुनने से सर्प की कुंडली शिथिल न हो, ऐसा हो ही चाहिए। इस शास्त्र को सुनने मात्र से भी विषयों का रस शिथिल हो जाता है, न तो रस। सुने तने रस निबंध शिथिल थाय, जाने तने हृदय ज्ञान तनाम जनाय। ज्ञानियों का हृदय जानने में आ जाता। शासन प्रशासन आचार्यत्व ये कुंद कुंद की मजबूरी थी, हृदय नहीं था उनका। हृदय नियम था, निज भावना निमित्त जिस ग्रंथ की रचना की है उनका हृदय नियम सार में है। अष्टपावड़ में उसके प्रशासक रूप का है। हे कान वालों सुनो, प्रशासन हृदय से नहीं चलता, बुद्धि चलता है। कर्री बनने पड़े वहां, लेकिन ऊपर से ही कर्री बनेगा, भीतर से बन गई तो टूट जाओगे। एक अधिकारी था, संयोग की बात एक पुल पर भगदड़ पड़ गई मेले के टाइम पर, टूट गया, क्या छमर गई। उसकी चेकिंग आई, अधिकारी से पूछा किसकी ड्यूटी थी यहाँ पर, कौन तैनात था, किसने फाटक खोला। अधिकारी ने कहा आबाई आफत। अधिकारी बोला किसने खोला था ये छोड़ो, किसकी आज्ञा से खोला गया ये, और वो अधिकारी में ही था। आई गई बात होगी, रफादफी हो गई सब। अधिकारी अधिकारी की बात क्या करे, चले गए। किसी ने पूछा तुमने मजदूर की कर्मचारी की जिम्मेदारी अपने माथे काज ले ली कि मेरे अंडर में कौन काम करेगा, अगर मैं उसे बचाऊंगा नहीं, उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा तो मेरे अंडर में कल काम कौन करेगा। ऊपर से ही कठोर बन जा, भीतर से नहीं, भीतर तो मुलायम बनेगा। भीतर रखा है हाथ, पीछे हाथ लगाओ, मुंह दीवार से मार दो, दंड का दंड, दया की दया। अगर नारियल जैसे नहीं बनोगे तो कैसे काम चलेगा। किस्मत जैसे नहीं बन सकती, किस्मत जैसे तो साधु हो सकते हैं, आचार्य नहीं होते, और बेर जैसे तो कभी नहीं। सुपारी जैसे कभी नहीं, नारियल जैसे बनो। गुरुओं का लक्षण है नारियल जैसे होना, ऊपर से कठोर और अंदर से कोमल। लेकिन ऊपर की कठोरता तो प्रकट होगी, अंदर की कोमलता प्रकट नहीं होना चाहिए, नहीं तो सामने वाला जे कचुनी क्यों चाहिए, यही तो गड़बड़ हो जाती है। जहां ये तुम्हारे दिमाग में आई जी तो ज्वाइन करे, फिर नहीं होगा कुछ। अंदर की कोमलता प्रकट नहीं होना चाहिए, ऊपर की कठोरता रहना चाहिए, उसी में उसकी सुरक्षा है नारियल की। और नारियल कहेंगे ही उसको, गरी को नारियल थोड़ी कहेंगे, चटकों को नारियल थोड़ी कहेंगे, पानी को नारियल थोड़ी कहेंगे। नारियल तो उसी कहेंगे, नारेटी जेटा झूठ, या कोई बच्चा खा नहीं सके, कोई सामने आ नहीं पाए, इतना प्रवृत्ति नाम का गुण भी आना चाहिए। भीतर की कोमलता प्रकट नहीं होना चाहिए। न्याय में अनुचित दया नहीं होती, जहां अनुचित दया होने लगेगी तो न्याय नहीं होगा। छोड़ो, छोड़े कैसे? जब तक दोष नहीं निकलेगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। उपगुहन अंग स्थितिकरण अंग के लिए है। बहुत लोगों की ऐसी आदत होती है, कई और चुप, एक महीना बाद कई फिर जवाब देने, फिर वहीं से पारो पड़ा। आप अपने जीवन में अगर कुछ बनना है, कुछ करना है, तो ध्यान रखो हमने कुछ कहा है कि नहीं, हमसे कुछ कहा है कि नहीं। प्रयत्न हमारा तब तक चालू रहना चाहिए जब तक कार्य पूरा ना हो जाए। तुमने जे कैसे समझ ली पूरा हो, बस खत्म मामला, भूल गए, बस आपका चुनिए, अब ठीक है। ठीक नहीं है, किसी दिन फिर मार पड़ेगी, किसी दिन फिर डांट पड़ेगी। तुम क्या समझती हो? आज कहिए तो जे नहीं है, कल भूल जा, परसों भूल जा, नरसों भूल जा, कार्य कहां हुआ है? जब तक कार्य की पूर्णता न हो जाए तब तक विश्रांत नहीं होना चाहिए। पूर्णता के लक्ष्य से प्रारंभ वही प्रारंभ है। अब पूर्व कहां हो? तुम पहले ही सोए गए। कहे वो कम कर दो, हाँ, अरे तो ध्यान नहीं हो, बस जी का मतलब हो, आज लगा दिए, आज कर दिए जी, कोई बात नहीं। 3 दिन बेकार गए, 8 दिन बेकार गए तुम्हारे भरोसे में। कार्य को पूरा भी करना चाहिए, अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। ट्रांसफर करने से पहले सोच लेना चाहिए कार्य होगा कि नहीं होगा। हमने बिन थकाए यो कबू नहीं करेंगे और निश्चिंत हो गए, ये तुम्हारी भूल है। हमने एक बात कही थी यहां बैठ करके, भैया तुम हमें धोखा तभी दोगे जब हम धोखा खाएंगे। हम धोखा नहीं खाएंगे, तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे तो कभी धोखा नहीं होगा। तुम धोखा कैसे दे दोगे? हम तो माल तुम्हारी पाल में रख दिए हैं। सेठ वहां से बंबई से रतन लेकर के चला और ठग बीच में मिल गया और उन्होंने दोस्ती काट रही। धर्म एक एक साथ धर्मशाला हम ठहरे, अब तुम ना आया, अब तुम ना आया, और बई की थैला में दे दी। अब वो सब रुंझा कहाँ है, समझ में नहीं आई। अंत में उसने पैर छुए और सेठ जी माल तो तुम्हारे पास है, लेकिन कहाँ है ये बता दो। बोले भैया तुम्हारी थैला में ही है, तू तुम्हारी थैला में रहता था, तुमने अपना थैला कभी नहीं देखा, तुम्हारा सुख तुम्हारे में ही है, तुमने अपने अंदर नहीं देखा। अंदर देखा होता तो मिल गया होता। ठग को ठग ने अपने थैला देखा होता तो मिल गया होता, अपना थैला देखा ही नहीं उसने। वो सेठ जी का थैला देखो, तुम भगवान की पूजा करते रहे, अपने अनुभवन नहीं किया। पूजा तो हम रोज करते हैं, अरे पूजा तो तुम रोज करते हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अधूरी है जब तक अनुभवन नहीं हो। प्रयोजन पर दृष्टि रहना चाहिए, बिना प्रयोजन पे कार्य में प्रवृत्ति मत ही, और बस छोड़ छाड़ के दूसरे काम में लग गए, तीसरे काम में लग गए, सफाई कर दियो, बस कर दी, अभी वही काम है, 4 दिन में हो पाएगी, तब होती है, लगे रहो 4 दिन तक, 1 दिन कर दी बस बहुत है। ये लापरवाही का काम, गैर जिम्मेदारी का काम, ध्यान रखना। संसारी जीवों के भी सर्वथा नहीं होती, ध्यान रखना, स्वभाव में नहीं होती। 14 प्रकार की मार्गनाएं, 14 प्रकार के गुणस्थान सिद्ध में तो नहीं होते, सिद्ध दशा में भी नहीं होते, और सिद्धों के स्वभाव में भी नहीं है, तो फिर आत्मा में तो होने की बात ही नहीं है। संसारी में भी अशुद्ध नए से होते हैं, नए में होते हैं कि नए के विषय में होते हैं। 5वां गुणस्थान, 4वां गुणस्थान, 6वां गुणस्थान, 8वां गुणस्थान, 10वां गुणस्थान, 1ला गुणस्थान, 2रा गुणस्थान होते, इनका 2रा, इनका 3रा, इनका 4था, इनका 5वां, जो जहां से बढ़ो आगे बढ़ते जाओ। मतलब ये स्वभाव नहीं है, और त्रैकालिक स्वभाव तो नहीं है, स्वाभाविक पर्याय भी नहीं है। सुन लो कान लगा के, त्रैकालिक स्वभाव तो है ही नहीं, त्रैकालिक पर्याय भी नहीं है। सिंह का स्वभाव भी ज्ञाता दृष्टा है, अपने उपकारी के उपकार को नहीं भूलता। वो कांटा लगाने वाली बात तुमने सुनी होगी, वो गुलाम था कि नहीं, भाग पड़ा जंगल में, जंगल में भाग पड़ा तो ए शेर सामने मर गए, मन से बगी तो ये ना आएगी मौत, अब क्या करें। और सिंह बेचारा तड़फड़ा रहा था, उसने कही अब मरने तो है ही, अब क्या करें, पीछे लौटेंगे तो बे पकड़ लेंगे मालिक लोग, और आगे बढ़ते तो शेर, अब क्या करें, चलो शेर की ओर बढ़े। शेर ने पंजा उठा दिया, देखा एक कांटा लगा है, भयंकर दर्द से करा रहा है। उसने अपना जो कुछ कपड़ा था दबाया और कांटा निकाल के सिंह को राहत मिल गई। वही सिंह पकड़ा गया और गुलाम भी पकड़ा गया, गुलाम को सजा सुनाई, भगा कह दी, इसको भूखे सिंह के सामने छोड़ दो, और वही सिंह पकड़ा गया। उसने जैसे ही सिंह ने देखा उस गुलाम को, अरे इसने तो हमारा कांटा निकाला था, चुपचाप सर भी चाटने लगा, पैर चाटने लगा, अपने उपकारी के उपकार को नहीं भूला। इसने तो कांटा निकाला, हम इसे मारे नहीं, इसको नहीं मार सकते, क्या भूखन मर जाए या नहीं मारेंगे हम। जैसे पुराने व्यापारी कह देते भूखों मर जाए, लेकिन बेईमान नहीं करेंगे हम, चोरी नहीं करेंगे, हल्का काम कर देंगे, छोटा काम कर देंगे, नहीं। भूखों मरने की नौबत हो तो अभी चोरी तो हम नहीं कर सकते, अवश्य तो नहीं खा सकते हम, लगाओ आप अपने उपाध्याय की परवेष्टि की परिभाषा में टूटरमल जी ने लिखा जो जिन शास्त्रों के रहस्य की ज्ञाता है, केवल शास्त्रों की ज्ञाता मत बनो। अभिमान आएगा तुम्हें, मद आएगा, हमने ये पढ़ लो, हमने ये पढ़ लो। विचार करो शास्त्री करके तुमसे ज्यादा क्या कर दिया। हमने 50 शास्त्र पढ़ ले, 40 शास्त्र पढ़ ले, सुनाना बेटा का मतलब निकलो। न्यायाचार बन गए और अपने प्रति न्याय करना नहीं चाहिए तो क्या हो गया। जो समय आत्मा की आराधना के लिए है वो विकथा में कमा रहे हो। न्यायाचार्य हैं, बैठ बैठ गपेंड हो गए रही। ये कोई न्यायाचार्य अन्यायाचार्य होंगे। सत्पुरुष अन्याय नहीं करती, क्या मतलब है। रायचंद जी ने लिखा है सत्पुरुष अन्याय नहीं करती, क्या मतलब। सत्पुरुष आराधना का समय विकथा में नहीं गंवाती। हम करेंगे काम नहीं चलेगा, हम कौन तुम्हारे सामने बैठ ही रहेंगे हर समय, तुम्हें देखते रहेंगे हर समय। अपने लिए करोगे तब काम बनेगा। मैं जो कुछ कर रहा हूं केवल अपने आत्मा को तुम मजबूत बनाना चाहो, शरीर को कमजोर बनाना चाहो और तुम निर्देशन, आपको निर्देशन, बस ये निर्देशन मांगोगे। शरीर को भी कमजोर बीमार बनाओगे जानबूझ के तो भैया आर ध्यान होगा, धर्म ध्यान नहीं होगा। सबसे ज्यादा खराब चीज है शरीर और सबसे काम की चीज है शरीर। धर्म ध्यान में सहायक शरीर का यत्न पूर्वक रक्षा करना चाहिए, भगवती आराधना का वाक्य है। हम बीमार पड़ गए, ध्यान ही नहीं दो, हमने मानी ही नहीं। हम कह रहे बेटा बीमार नहीं पड़ो तो मजाक सूझे रही है, बाद में बीमार पड़ गए। पढ़ेंगे तो हैं, अगर ढर्रा नहीं सुधारोगे तो अब मर रहा है, अब क्या है। अब स्वाध्याय छूट गए, पूजा छूट गई और पढ़े किनारे आज ध्यान हो रहा है, अब ठीक है। अब समाधि मान करके बता दो तुम्हारी ताकत है तो। अरे जिन्होंने द्रव्यान योग का उपदेश दिया है उन्होंने चरणन योग का उपदेश दिया है, जिन्होंने परमार्थ बताया है उन्होंने व्यवहार भी बताया है। आचार्य कुंद कुंद देव ने भी व्यवहार चारित्र अधिकार लिखा है कि नहीं लिखा है, काय के लिए लिखा है। इस भूमिका में जो शुद्ध भाव को समझता है उसका व्यवहार ऐसा होता है, चाहे कैसे ही नहीं बोलेगा, वो भाषा समिति से बोलेगा या मौन रहेगा। अब तुम भाषा समिति से बोलते हो, बता समाधान निकलता नहीं कि समाधान हम निकालते नहीं। उपयोग लगाए तो लगे, टूटरमल जी ने लिखा है, समय निकाले तो निकले, समाधान करे तो हुए, नहीं होगा समाधान, कभी नहीं होगा। तुम समाधान पर में ढूंढ रहे हो, पर में समाधान का हमें टेम नहीं मिलता, आत्मा में टेम नहीं मिलेगा। फुर्सत हो तुम्हें और कामों से तब तो टेम मिले। कहना ही पर्याप्त तो नहीं है। प्रवचन सार जी का स्वाध्याय कल कर रहे थे दोपहर में, उसमें आया अगर भीतर का छेद हो, अशुद्ध उपयोग हो तो गुरुओं के पास भी निवेदन करना चाहिए। केवल ग्राह निंदा करने से ही काम नहीं चलेगा, ग्राह करना चाहिए। और फिर टीका में क्या लिखा, वे स्व संवेदन के अनुसार उसका जो प्रायश्चित बताएं सो करना भी चाहिए। कल भी बात कही थी, परसों भी कही थी हमने, केवल आज्ञा कह देने से काम नहीं चलेगा, मानने से चिकित्सा इलाज लेने से काम चलेगा। दवाई बहुत बढ़िया, डॉक्टर बढ़िया, कहने से काम नहीं चलेगा। दवाई खाए बे बड़े तो दवाई तो कड़वी है, लेकिन जो कुछ भी हो लेने से काम चलेगा, आचरण से काम चलेगा, पढ़ने से काम नहीं चलेगा। सुनो भाई, कैसे 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 जी की बहुत लोगों की ऐसी आदत होगी, तो कैसे करें, तो कैसे करें, तो कैसे करें। अरे भाई 10 विधि नहीं है, एक ही विधि है। जैसे हम कर रहे तैसे ही तुम करो। यथानुभूत मार्ग के परिणता हम खड़े हैं, जैसे हम खड़े हुए तैसे ही तुम खड़े हो। हम बाहर का छोड़ के खड़े होंगे तो बाहर की छोड़ोगे तो अवसर तो है, लेकिन जब तक भीतर का नहीं छोड़ोगे शांति नहीं मिलेगी। अंदर की कथाएं छोड़नी पड़ेंगी तुम्हें। छूट रही नहीं, कहने से काम थोड़ी चलेगा। छोड़ते ही नहीं हो तुम और कहते हो छूटती नहीं, और हर कहने वाला कथा करने वाला यही कहेगा छूटती नहीं। बाबा जी ने क्यों पेड़ पकड़ लिया, खंबा पकड़ लिया, कोई भी दर्शन दे, खंबा हमें छोड़ नहीं रहो। खंबा नहीं छोड़ रहा कि तुम नहीं खंबा को छोड़ रहे, तुमने खंबा को पकड़ रखो। कर्मों को तुमने बांधा है कि कर्मों ने तुम्हें बांधा है? अपने आप आ गए कर्म। जिन कर्मों का तुम रोना रो रहे हो, हमारे कर्म में ये, हमारे भाग्य में ये, माँ तो ये भाग्य है कुछ, ये अपने आप आ गई, भाग्य अपने आप बन गया। परिणामों से तुम्हारा भाग्य बनता है। जब परिणाम नहीं है तो भाग्य रोगे, तरफोगे। कल कहा था दाने दाने को तरफ जाओगे अगर दाने की कदर नहीं करोगे। किसी भूखे के पेट में पहुंच जाए, उसको आवश्यकता है, वो खाली है, लेकिन तुमने रईची की मद में बिगाड़ दिया, फेंक दिया। हम पशु को डालेंगे लेकिन राख डाल करके, मिला करके डालेंगे पशु को। एक बात बताओ, तुम्हें राख मिली रोटी खवा दे तो कैसे मिले? किस किसी रोटी खवे या राख मिली रोटी मिल जाए तो कैसी हो रहेगी? राख मिली रोटी तुम्हें अच्छी नहीं लगे तो पशु को कैसे अच्छी लगेगी? छिलका राख मिला करके क्यों फेंकते हो? पॉलीथीन में बांध करके बांधे हो, फेंक दी पॉलीथीन। अब बेचारी भूख मारे खाए गए पॉलीथीन संग में। इतनी पॉलीथीन नहीं करी तो ऑपरेशन वो गैया हो तरफ तरफ के मर गई। अपराधी कौन है? गैया नहीं है, तुम हो। श्री गुरु ने तो संगी जीवों को असंगी तक के जीवों की दया का उपदेश दिया था। श्री गुरु ने कमी नहीं रखी थी। जानते ये सुनते नहीं, ये तो सुनते हैं, इन्हें सुनाई थी इन्हीं के लिए, लेकिन इनको ध्यान रखियो। तुम तो सुनोगे नहीं, इनका ध्यान रखो। इनसे कहा इनका ध्यान रखो। चीटी तो सुनेगी नहीं, तुम पानी मत फेंको, तुमसे कहा तुम पानी मत फेंको। तुम पानी फेंकोगे तो चीटी डूब जाएगी, जैसे बाढ़ में तुम्हारे घर डूब जाते। नियम सार जैसे ग्रंथ में, महान ग्रंथ में, महान ग्रंथ है ये। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने क्या कहा? जैसे भवलीन संसारी जी वैसे ही जैसे जारसिया सिद्धप्पा। सिद्ध भगवान के का स्वभाव और संसारी जीव का स्वभाव, स्वभाव 2 प्रकार का नहीं है, एक ही प्रकार का है। 14 प्रकार की मार्गणाएं, 14 प्रकार के गुणस्थान संसारी जीवों में भी एक समय की पर्याय मात्र में रहते हैं, जिस पर्याय का व्यतिरेक है स्वभाव से। अगर तुम्हें संसार में रहना 14 मार्गणाएं और गुणस्थान पढ़ देना, हमारा गुणस्थान कौन सो है। और अगर तुम्हें संसार से पार होना है, सिद्ध बनना है, तो ये सोच लेना हमारा गुणस्थान कोई नहीं। 14 में से हम 14 गुणस्थान से पार हैं। 8 कर्मों से रहित आत्मा को देखा जाए तब अष्टमी और 14 गुणस्थान से पार देखा जाए 14। हरि छोड़वे से काम नहीं चल जाए, वो खाली हमने हरि नहीं कहा। हरि नहीं खात माने कोमल पढ़ना। हरी नहीं खाएंगे, कड़ी तो खाएंगे, गट्टा खाएंगे, गट्टा की सब्जी बनवा लेंगे। विचार करो तुम कैसे पचा पाओगे उसको जब हरी नहीं पचा पाओगे। हरी नहीं खाने का मतलब है गरिष्ठ नहीं खाना, हल्की चीज लेना। इससे हल्की चीज कौन सी है? ये थोड़ी है कि हरी नहीं खात। बस 14 गुणस्थान से पार जब आत्मा को देखोगे तब तुम्हारी 14 मनेगी। जब आत्मा का रस, अध्यात्म का रस आएगा, जिनवाणी का रस पान करोगे तब तुम्हें रसी होगी। घी छोड़ दो, दूध छोड़ दो, घी और मिठाई छोड़ गई, नमक छोड़ दो, अच्छे तो नहीं रहो तो छोड़ा भी नहीं है, तुम उसी को देखते रहे। तुमने उस दाल में नमक के बिना अधूरापन देखा, जबकि दाल है अपने में स्वयंपूर्ण, नमक है अपने में स्वयंपूर्ण। तुमने नमक के बिना दाल में अधूरापन देखा। ये पाप कौन ने करो? हमने नहीं करो। और तुम अभिमान कर रहे हो, रसी कर रहे हो। रसी नहीं कर रहे, रसी बिगाड़ रहे हो। रसी करने का मतलब यह, इसका पॉजिटिव अर्थ क्या है? अस्थि आत्मा का अर्थ क्या है? अपने आत्मा का रस भी तो देखो। मिठाई को रस लाओ, नमक को रस लाओ, मीठे को, शक्कर को रस लाओ, बूरा को रस लाओ, घी को रस लाओ, दूध को रस लाओ, आत्मा का रस कभी नहीं दिया। और आत्मा के रस से जो रस सरस जिसका जीवन होता है, उसे बाहर के रसों से उदासी आती ही है, रसी पलती ही है अपने आप। 12 प्रकार के तप होते ही हैं उसे, उसके द्वारा। ये कभी नहीं सुनने को मिलेगा तुम्हें मुनियन घी है ये तो। अरे मुनि, तुम्हें नहीं मुनि बनने, हमें नहीं मुनि बनने, मुनियन घी। बढ़िया खाने को मिल जाए तो ये नहीं कहो ये तो बड़े आदमी की, ये खा जाओगे यार। और ये मुनियन की चीज होगी। तुम्हारा सोच गलत है, सोच को सुधार लो, तब जिनवाणी समझ में आएगी। नहा धो करके, कपड़े बदल करके शास्त्र स्वाध्याय करने बैठना ही पर्याप्त नहीं है। अपनी दृष्टि बदल करके भी, परिणति बदल करके भी, भीगे हृदय से जिनवाणी पढ़ो। अंत तक रावण से द्वेष न आ पाए, तब राम के अनुयायी बन पाओगे। और अगर द्वेष आ गया तो राम के अनुयायी, रावण बहुत खराब तो। ये तुम्हारी खराब शब्द कहां से आ गया? तुम्हारी दृष्टि खराब है, तुम्हारी परिणति खराब है। शास्त्र पढ़ करके तुम रागद्वेष निकालोगे, उसमें हम रोटी बना देते हैं, मज्जा जाए के। त्यागियों के लिए तो रोटी तरसना चाहिए, रोटी बनाना नहीं चाहिए। हम फिर कह रहे हैं आपसे, रोटी तुम्हारे लिए तथ्य है, तुम्हें रोटी कबू नहीं बनाने पड़े। और एक बात याद रखो, आत्मा की आराधना नहीं करोगे तो रोटी तो बनाना ही पड़ेगा। और रोटी बनाने से अगर किसी साधर्मी को पात्रों को रोटी नहीं खिलाओगे तो रोटी बनाने की नौकरी करने पड़े। रोटी वारी होती है भाई, होती है, नौकरी करती है, 600-700 रुपया 500 रुपया नौकरी करने पड़े रोटी बनाए। अब हम तुम्हें कौन काय खवा, नहीं खवा, मत खवा, कबू मत खवा, बना बना के पंगत को रोटी खमान पड़े। पसीना आओ पहुंचो और पटको आ रही है और बे याद लगा याद और सब खाए गए बढ़िया पूरी है। अरे बढ़िया पूरी तो जब है जब बढ़िया उद्देश्य खाई जाए, बढ़िया संयम के लिए भोजन किया जाए, एक कम खाइया आसक्ति छोड़ करके खाइया, नहीं बूढ़ो होती हो गलती हो गई अबे तक नहीं समझे गलती, तुम्हें मांगने की हिम्मत कैसे पड़ गई, हम ये पूछ रहे। ये धर्म मांगने का नहीं है, ये धर्म है आत्मज्ञानी का। मांगने की हिम्मत कैसे पड़ेगी, एक जीरो दियो ने नमक दियो, आत्मा बिना नमक के नहीं खा सका, नहीं नमक दियो नहीं जीरो दियो। मुनियन की चीज है अयाचना, याचना पड़ी जय त्याग, याचना पड़ी जय जय मुनियन की चीज है। अरे मुनि के तुम को मुनियन के भक्त नहीं हो तो को अपनी इंद्रियों के गुलाम हो तुम, जानते हैं हमें बुरो नुकसान करे, नेक बुरो तो हमें चाहिए, वो गर्मी का तो है वो ठंडी का तो है, डॉक्टर जाना कि तुम जाना। रोटी तब खाए जबकि बुरो दर्दी हुआ। ये गिरदरा इस मार्ग में छोड़ने लायक है। कौन ने कही का कही ये मत सोचो, अगर तुमने नहीं कही है तो धन्यवाद, ऐसा दोष तुम में नहीं है तो धन्यवाद, लेकिन ऐसा दोष अगर की अनुमोदना भी तुम्हारे अंदर में है तो छोड़ देना चाहिए। अगर तुम साधर्मी बन करके समझाते नहीं हो इनको, ए भैया ये गिरता सोआ नहीं है, ये तुम्हारे लिए कलंक है, बुरी तरह टोंकते हो तो अच्छी बात नहीं। खाते समय बुरी तरह नहीं टोंको, खाने नहीं, खाने के बाद कहो उसे ए भैया ठीक नहीं है ये बात। देव बनोगे तो कंठ में अमृत जहर, गुलाब जामुन धोनी खाओगे, तिरियंचे होगे तो सानी करोगे, नारकी बनोगे तो क्या खाओगे, और गरीब घर में पैदा हो जाओगे तो क्या खाओगे। सवेरे पड़ुआ और गुलाब जामुन को नाश्ता हुआ, सोचो। जो गरीब नहीं कर सकता हम क्यों करेंगे। देशभक्त नेता ने यह जवाब दिया तो हम भी यही कहेंगे, जब अविरत सम्यक दृष्टि भी नहीं कर सकता अनंतानुमंदी कथा है तो हम कैसे करेंगे। और मुख्य वहां की साधना, तुमने ऐसा मान ली साधना माने पढ़ लेना, अपनी कथा की पूर्ति कर लेना, भटकना इतने होते उसका नाम साध। हमें अपनी साधना करने काम बहुत हो जाएगा, इसका फल भोगना पड़ेगा। तैयार हो जाओ, पहले जन्म में किया है वो अब मिला है, और आज का क्या करोगे, आगे के लिए काले जाओ। चोरी करते हुए पकड़े नहीं गए तो चोर नहीं हो का, नहीं पकड़े जाए तभी चोर हैं, कछु पता नहीं, कछ सुध बुध ना रही है, मिथ्या मत छाए गई है। आलोचना पाठ वाली बात ही नहीं है, केवल बात देखो भीतर के जीवन में, भीतर के जीवन, ऊपर के जीवन में नहीं। जगत तुम्हारे कपट को जाने बिना तुम्हें धर्मात्मा कहता रहेगा, लेकिन तुम्हारा क्या भला होगा? भावदेव से, या भावदेव ना, क्या नाम था भावदेव ना, था भावदेव जम्मू कुमार के जी, पुष्पलाल को धर्मात्मा ही तो कहते रहे, लेकिन भीतर में धर्म की वासना नहीं है कि स्त्री को याद करता रहा तो उसे क्या लाभ हुआ, पुष्पलाल को क्या लाभ हुआ? दुनिया जगह धर्मात्मा कह देगी हमें, लेकिन हम धर्मात्मा नहीं हो पाएंगे। हम तो कभी कभी दृष्टांत देते थे, तुम्हें एक दिन दिया था, यहाँ गांव के लोग अटारी पर मंदिर बना लेते, मंदिर बिना नहीं रहते थे, और कहीं चंदा भी करने नहीं आते। बताओ, हम अपनी दुपट्टा लें तो चंदा करके लें, तो फिर तुम कहा को चंदा करे, पंडित जी को दुपट्टे दें, तुम्हारी ताकत हो देव, नहीं ताकत हो मंदिर। चंदा करके सबकी ओर से देंगे और देने हम अपन को ऐसे देंगे जैसे अपनी ओर से दे रहे हो। ये प्रदर्शन करो, प्रदर्शन में धर्म नहीं है। अंतर की भावनाओं से धर्म की पात्रता आएगी। मंद कसाय होगी तो, और कसाय का भाव होगा तो धर्म होगा, और कसाय की तीव्रता में न तो व्यवहार होगा न परमार्थ होगा, अनर्थ ही होगा, ठगेंगे दुनिया को। बड़ा गंभीर शब्द है ये, संसार ठगने के लिए बैराग को धारण किया। तुमने काय को बैराग धारण करो, तुमने ये बीज काय को बनाओ, तुमने व्रत काय को लिया। ठगना माने ऊपर से कछुआ दिखाई दे रहा हो, भीतर से कछोर हो रहो। कसाय की ज्वाला में मत चलो। अरे काय को जाने, लोग में गांव में एक बात कह दी थी, मरे हमारे दुश्मन, हम काय को मरे, कह देते कि नहीं? ऐसे ही कसाय की ज्वाला में तुम क्यों मरो? अरे कसाय की ज्वाला में बेजने कोई नहीं जले, हम जी कह रहे हैं। हे जगत के जीवो, कोई भी कसाय की ज्वाला में मत चलो, तुम्हारे मज्जंत निर्भर ममी समेव लोका आलोक मत छल शांत रहती समझता। अंदर में ज्ञान सिंधु शांत सरोवर उछल रहा है, विभ्रम रूपी आड़ी चादर को दूर करके प्रकट हो गया है, तुम उसमें स्नान करो। मन कसाय की ज्वाला में, और लोक व्यवहार में हम ये कहें कसाय की ज्वाला में भी जने जिसके पास जिनवाणी नहीं। तुम्हें तो जिनवाणी मिली है, तुम कसाय की ज्वाला में क्यों जाते हो? बुद्धन जी ने क्या सुंदर लिखा है, छेड़ाराम बुद्धन जी ने, छेड़ाराम छठवीं जाल में, जिनके उर विश्वास वचन जिन शासन नहीं ते भोगातुर हो, भोगों के लिए वे ही आतुर होते हैं जिनके उर विश्वास वचन जिन शासन नहीं, जिन्हें जिन शासन में, जिनवाणी के वचनों में विश्वास भी नहीं है। अब तुम समझ लो, तुम पढ़ना नहीं जानते, हम करें क्या? पढ़ाते पढ़ाते इतने दिन हो गए, नोट करता है, पढ़ने चाबी बनाए हो, अरे चाबी बनाई हुई कला सीखो, झाड़ की ती है, चाबी मत मिला करो, दिन भर में एक तारे में नहीं मिला पाए, और नहीं तो हल मिला दोगे। जिन भोगों के लिए आतुर बेई होते हैं जो जिनवाणी के विश्वास नहीं है। जब तक जिनवाणी के प्रति विश्वास नहीं जगेगा, तब तक भोगों की आतुरता नहीं मिटेगी। मिटाओ, तुम कैसे मिटाओगे? तुम सोचो एक टांग पर खड़ी रहे, टांग सुमाई नहीं है, तुम खड़ी कर रहे हो एक टांग पर। अभिमान होगा, हम एक टांग पर खड़े हैं, बगुला भी खड़ा हो जाता है, क्या मतलब निकला? अरे बिना टांग के खड़े हो, कल भी कहा था फिर भी कह रहे हैं, कभी उत्तेजित मत होना, कभी रोब मत गांठना, कभी चुप मत रहना, कभी छिपाने की कोशिश मत करना। गुरुओं की बातें मानने से कल्याण होगा, अच्छी अच्छी कहने से कल्याण नहीं होगा, चुप कहने से कल्याण नहीं होगा। हमें अपना कल्याण करना है, ईमानदारी से जो कापी पेन लेकर के बैठ जाओ, बातों से कल्याण नहीं हो जाएगा। करने लायक करेंगे, कर्तव्याश्रय का पाठ करो, पहले करने लायक समझ तो रो, हम करेंगे, क्या करोगे? क्या हम प्रवचन करेंगे? ये लड़का कह दे छोटा सा वो भी, क्या हम प्रवचन करेंगे, तुम रहने दो, तुम क्या करोगे? सभा तुम्हारे लिए थोड़ी बैठी है, इतने लोगों का समय कीमती है, इतने उतने से टाइम पूरा मत करो, एक घंटा हम करेंगे, पहले समझ लो। स्वानुभव जो करने लायक होता है वह करने की उतावलापन नहीं होता, और जिसे जो उतावलापन होता है वो करने लायक नहीं होता। हम कब टाइम नहीं देंगे, हम तो हम ही बोलते नहीं माइक पर, ये खोटी आते हैं, मोह के कार्य हैं, तुम्हारे कार्य नहीं है, तुम बुरा मत मानना, तुम्हारे काम नहीं है। हम तान के पढ़ेंगे, हम सुनाएंगे, कौन को सुनाओगे, कौन को दिखाओगे, कौन को? हम जानते नहीं है, हम कितने मोटे हो गए, वैद्य जी को दिखाएंगे, अरे वैद्य जी का रे फैट बढ़ गई, मोटे नहीं हो गए, ये मोटापा घटाओ नहीं तो मर जाओगे। 120 किलो वजन, 110 किलो वजन, 105 किलो वजन, हमने कहा 40 किलो वजन कम कर दो तब बीमारियां कम होंगी। आ जाओ 70 के अंदर, 60 के अंदर, और वजन किन का बढ़ता है मालूम है? आयुर्वेद से। ये आयुर्वेदिक गति नहीं है, लेकिन हम बताएं वतन किन का बढ़ता है, शुगर का। निश्चिंत खाओ और सोए गए, हमें कोई मतलब नहीं, क्या कछू होता है, लिखा है आयुर्वेद में, ध्यान रखना, नहीं तो पूछ लो फोन लगा के। अभी जो खाए और निश्चिंत, हमें कोई मतलब, कोई माथे पर जिम्मेदारी नहीं, कोई सिर दर्द नहीं, कोई वजन नहीं है, कल का होया होया। बालकों जैसी दशा, बालकों क्यों ग्रोथ होता है, बुढ़ापे में क्यों नहीं ग्रोथ होता है? बालकों को ग्रोथ इसलिए है कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, मम्मी बस अब कल का होया हमें क्या मालूम। ऐसी गैर जिम्मेदारी का जीवन साधक का जीवन नहीं होता। आगे पीछे सोचो, जिसका निर्वाह भविष्य में निर्वाह होता जाने, वह प्रतिज्ञा करना, प्रतिज्ञा अवश्य करना, प्रतिज्ञा किए बिना बंधन नहीं होता, परिणाम नहीं रुकते, निरंतर आशा बनी रहती है और प्रसंग पड़ने पर तद्रूप परिणाम। का बटने जब पूछने, अरे कछु बाटे हमें का मालूम, बाजार में का है, तुम का बनाया अनुभव, तुम्हें कितो खर्च करने हमें का मालूम, तुम पूछने लगो का बटने, हम कहते हैं गुलाब जामुन सबके लिए बनवा दे, अब हमें का मालूम कितो खर्च करे हो तुम? कैसे हम सलाह दे दें, पूरी बनवा दे, अरे डेढ़ कौन का कम है ये बताओ, तुम्हारी इतनी हैसियत है कि नहीं, तुम्हारी इतनी शक्ति है कि नहीं है, का बटने हर बात में सूक्ष्म चुनता है। और का है, आत्मा परम सूक्ष्म है। आत्मा को ग्रहण करने के लिए उपयोग को सूक्ष्म करना चाहिए। मन से मत बांटो, ज्ञान से विवेक से बांटो, ऋतु देख के बांटो, जिससे उसका धर्म ध्यान बढ़े उस बांटो। काम में कौन सी चीज आएगी सो बांटो, सुविधा से आसानी से कौन सी चीज पचे आएगी। ये थोड़ी है बटने, बटने के लिए बटने। बाजार से मिठाई ले आए, पैसा खर्च कर दे, बांट दे। बाजार की और पाठशाला में पढ़ाओगे, बाजार की चीज नहीं खाना चाहिए और बांटे बाजार के बिस्कुट। करते हैं सही, मन का साथ करेंगे जो काम करेंगे। मन छोड़ के करो, तुम्हारी जो ही समझ में आएगी जो करने लायक होगा। अगर मन छोड़ के करोगे, कर्जा तुम्हारे ऊपर है और विधान करा दे तो का मतलब नहीं करो। पहले कर्जा चुका तब विधान करेंगे, पहले कर्जा चुकाओ तब विधान कराइए। ये नहीं है, यहाँ बढ़िया विधान करा तो बोलिए नहीं और कर्जा के मारे मरे जाए। दान दे मन हरक विजय के ऊपर ही ऊपर ही नहीं, मिर्च बड़े तांबुल जवाओ। अंदर का हर्ष होना चाहिए। मग्गण गुण ठाणे चौथ साई हवंत असुधरा बिंडिया। भेड़िया उसको भी जानो, लेकिन उसको कब जान पाओगे, जब सभे शुद्धा शुद्ध में सबको शुद्ध जान करके किसी का तिरस्कार, किसी का अनादर मत करो, किसी के प्रति क्रोध मत करो, किसी का लोभ मत करो, किसी से ईर्षा मत करो, मजबूरी का फायदा मत उठाओ। ले परमार्थ में व्यवहार आ गया कि नहीं आ गया, परमार्थ में व्यवहार आया कि नहीं आया। अगर नहीं आता तो व्यवहार जाना हुआ प्रयोजन माने, ये कभी नहीं लिख दी, लेकिन लिखा है 12वीं गाथा की टीका में, व्यवहार जाना हुआ प्रयोजन मान है। माने तुम ग्वालियर जाओगे तो रास्ता में मोह पड़ेगी, भेंट पड़ेगी, ए तैसे मन जा पुलिया टूटी है, कह देते कि नहीं कह देते। अब टूटी हुई तब देखी है, अब तब कहा देखी है, तुम यही देख लो लौटिया, नहीं तो उतना पेट्रोल बेकार जाएगा, तुम्हारा इतना समय बेकार जाएगा, इतनी बुद्धि बेकार जाएगी। तुम अभी से तैयारी करो। समाधि मरण के लिए जीवन है, बुढ़ापा काय के लिए समाधि। अब समाधि मरण किनका होगा? फौज में सैनिक पहले ही भर्ती क्यों करे जाते हैं, एंड टाइम पर भर्ती कर लें तो भैया ट्रेनिंग नहीं होगी तो करेंगे क्या, लड़ेंगे क्या वहां। तो ऐसे जो जीवन में सम्यक दर्शन करेगा वह समाधि कर पाएगा। अगर सम्यक दर्शन नहीं करेगा तो समाधि कैसे करेगा, मिथ्यादृष्टि की समाधि होगी क्या। अकेले रहे हम और गाय गाय से पढ़ेंगे, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, और धर्मात्मा के निकट हम कभी आए हैं नहीं। क्यों? वहां छोटा बनना पड़ेगा। पापियों के बीच में, अज्ञानियों के बीच में बैठ करके बड़ा मेहनत के लिए करोगे तुम। ज्ञानियों के अनुशासन में रह करके अपना सुधार नहीं करोगे। तुम जानो तुम्हारा काम है, हम क्या करें। समझ गए? अगर संसार में भ्रमणा हो, 14 गुणस्थान और मार्गगण देखते रहना। ये लिखेंगे 14 गुणस्थान 14 मार्ग। लेकिन अगर संसार से पार होना है तो इनसे पार देखना पड़ेगा। थबे सुधा सुधरा नमोर हे जिनवाणी भारती तो जपूं दिन रे जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख या वाणी के ज्ञान से सूझे रोका लो सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ दो नमोर तारो